आज की कार्रवाई में उन्होंने जो 56 गांव पे आपत्ति लगाई थी कि इन कमिश्नर को बदला जाए अजय कुमार मिश्र को, अजय कुमार मिश्र को न बदलने का माननीय न्यायालय ने निर्णय लिया है तथा उनके साथ एक और अधिवक्ता विशाल कुमार सिंह को भी जोड़ दिया है। कहा ये दोनों टीम जो है विशाल कुमार सिंह अजय कुमार मिश्र मिलकर दोनों लोग संयुक्त कार्रवाई जो है आपके कमीशन का करेंगे। अगर दोनों में एक अनुपस्थित रहेगा तब भी दोनों अधिवक्ताओं में कमिश्नर जो आयुक्त हैं उनमें एक कमिश्नर आयुक्त भी इस कार्रवाई को पूर्ण कर सकता है। तथा दूसरा जो हम लोग का प्रार्थना पत्र था उस हम लोगों ने मांग किया था कि सारे व्यवधान को सारे जितने भी दिक्कतें आ रही हैं बैरिकेटिंग के अंदर प्रवेश करने में उस बाधा को दूर किया जाए। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए कहा है अधिकारियों को स्पष्ट सरकार को भी उसने निर्देश दिया है कि जिस तरह भी हो चाहे ताला खोलकर चाहे ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कराया जाए इसमें जो भी बाधा उत्पन्न करता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की सख्त निर्देश दे दिया है। अंदर मौजूद है फैसला घोषित कर लिया गया था आज ये माननीय न्यायालय 17 मई तक कार्रवाई करने का उन्होंने कहा है कि अपनी रिपोर्ट संपूर्ण करके न्यायालय में प्रस्तुत करें। आज जो फैसला आया आदेश आया है क्या कहेंगे उसके लिए और उसके बाद क्या करेंगे? आदेश को अभी हम आदेश की प्रति अभी हमको तुरंत उपलब्ध हुई है जिसको मैंने अभी बहुत सरसरी तौर पर पढ़ा है। आदेश के पढ़ने से ये पता चला कि जो पहले के पूर्व नियुक्त जो कमिश्नर थे उनके साथ दो अन्य अधिवक्ताओं को भी सहायक के तौर पर माननीय न्यायालय ने नियुक्त कर दिया है और कमीशन की कार्रवाई करने की संपादित करने के लिए आदेशित किया है। अब जब जो आदेश आया है उसको लेकर के क्या आप लोग कमीशन कार्रवाई अगर वीडियोग्राफी होती है उसमें आप लोग सम्मिलित होंगे? देखिए आज वीडियोग्राफी या कमीशन कार्रवाई में सम्मिलित होने न होने का सवाल अभी पैदा नहीं होता है। मैं पहले याद कर लूँ कि कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो बहुत सम्मान योग्य होता है, वो सब पर बाध्यकारी होता है, लेकिन ये ऑर्डर अभी हमारे एंड से फाइनल नहीं है। इस ऑर्डर का मैं पढ़ूंगा और इस ऑर्डर के खिलाफ जो हमको लीगल रेमेडी होगी उसको मैं अवेल करूँगा। चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को? हाँ चैलेंज करूँगा। 4 दिन का ही वक्त है चैलेंज करने के लिए, 1 सेकेंड का भी वक्त बहुत होता है।